जो कि है ये स्लिंग बैग ढूंढ रहे हो तो फटाफट इसको आप क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी भी इसी का फोटो के अकॉर्डिंग देखूं तो वीडियो में जैसे आपको हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मीशो बैग हॉल। तो मैंने अभी कुछ रिसेंटली परचेस करे हैं और उनका मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। और ये सारे बैग जो है वो 100-200 है तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है ये हॉल। अगर आप सर्च कर रहे हो कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए अफोर्डेबल सा कोई स्लिंग बैग या फिर हैंड बैग तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं स्लिंग बैग से जो कि ये ब्लैक कलर में है और मैं इसका पहले आपको पूरा फुल लुक दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप में। और इसके साथ ना आपको ये छोटा सा और मिल जाता है तो इसमें आप इजीली अपना कैश कैरी कर सकते हो या फिर एयरपोर्ट्स हो गए ये एडजस्ट भी कर सकते हो आप। तो फर्स्ट इसमें ना सिर्फ आपको एक ही कंपार्टमेंट मिलता है, ये जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर ईजिली आ जाएंगी। और इसकी क्वालिटी भी ना काफ़ी अच्छी है, कुछ ना ये कोरियन स्टाइल में है और इसका जो मटेरियल वो है कुछ लेदर में है। इसके काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं, वाइट में और ब्राउन में और ब्लैक में। ब्लैक मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि ब्लैक मतलब सारे आउटफिट के साथ जाता है, प्लस ब्लैक मेरे पास ऐसा कोई बैग था नहीं तो मैंने कुछ इसलिए परचेस करा। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसको मैं दूंगी 10 out of 10। और अगर आपको ऐसा अफोर्डेबल उस स्लिंग बैग ढूंढ रहे हो तो फटाफट इसको आप परचेस कर सकते हो। ये स्लिंग बैग ना मैं ऑनलाइन से सर्च कर रही थी तो मैंने देखा था ये किसी ने परचेस कर रखा तो मैंने सोचा मैं मंगवा के देखती हूँ। इसके रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे तो जब मेरे हाथ में ये आया तो मतलब मैं एकदम शॉक थी क्योंकि मीशो पर इतने अच्छे मतलब वो प्रोडक्ट मिलना मतलब काफ़ी वो बात होती है और अफोर्डेबल खासकर प्राइस में मिलना तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं सारे बैग के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो ये फ्रंट से भी कुछ ऐसा है और बैक से भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई आपको बाहर से कोई पॉकेट नहीं मिलती है, सिर्फ इसमें एक ही है। नेक्स्ट भी एक स्लिंग बैग ही है वह ये, और इसका मैं आपको एकदम क्लोज से दिखा देती हूँ। और प्लस इसको आप ना ऐसे कैरी भी कर सकते हो हैंड बैग की तरह, और ये स्लिंग बैग भी है तो ये दोनों टाइप से आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो इस टाइप से भी और ऐसे, तो जैसे आपको मन हो आप ऐसे कैरी कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे मैग्नेटिक ये बटन है ये देखो, और इसके अंदर ना स्पेस भी काफ़ी सारा है तो आप इसमें ईजिली कैरी कर सकते हो। इसके अंदर एक ही चेन मिल जाती है तो फोटो में, और अगर आप रियल में देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि इसमें इतनी लेंथ दे रखी है बट फोटो में इसका इतना है तो हल्का फुल्का सी डिफरेंस है। बट अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक ये कलर जो है वो सारे आउटफिट के साथ चला जाता है और इसकी में भी काफ़ी सारे कलर अवेलेबल थे तो आप वहाँ से देख लेना। इस बैग को देना चाहूँगी मैं 10 में से 9 से। सो नेक्स्ट बैग को आप टोट बैग भी कह सकते हो और हैंड बैग भी जो कि है ये वाला, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आपको ना प्रिंट भी मिल जाता है ये एक, और काफ़ी सारा आपको स्पेस मिल जाता है इसमें, और पीछे भी है इसमें एक ये कुछ क्योंकि इसमें कुछ रखा हुआ शायद बैंडेज रखी है। कॉलेज के लिए ये टोट बैग एकदम अच्छा है क्योंकि इसमें आप अपनी बुक्स भी कैरी कर सकते हो या फिर लैपटॉप आई या वो भी कैरी हो जाएगा, इसमें आराम से एक वाटर बॉटल भी आ जाएगी। बेसिकली कहूँ तो इसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है तो इसमें आप अपना इंपॉर्टेंट जितना भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें ईजिली कैरी कर सकते हैं तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि मैंने 2-3 हॉल करे थे पहले तो उसमें मतलब काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि मतलब किसी ने भी नहीं कहा था, मैं सच बताऊँ तो मैं ही खुद कह रही हूँ, तो उसमें यह था कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लेना और जब तक वो उस प्राइस तक आ जाए तो फटाफट आप उसको परचेस कर सकते हो। वैसे प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सेल का वेट कर लो, मीशो पर भी वैसे भी सेल मतलब चलती ही रहती है, मंडे पता नहीं हाँ मंडे टाइप में चलती रहती है शायद, तो आप तब वेट कर लेना। वैसे ही 200 से थोड़ा सा ऊपर आई थिंक 250 तक तो ये ज़रूर होगा बट ये आपको ना कम प्राइस में मिल जाएगा। या ऑब्वियसली जब ट्रैवल मेरा एसेंट को चेंज हो गया, जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करके चलते हैं तो ये टोट बैग को आप ईजिली कैरी कर सकती हो। फोटो के अकॉर्डिंग देखूँ तो बट ये रियल में थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ज़रूर है। ऑल्सो इसमें ना एक और यही वाला कलर अवेलेबल था ग्रीन टाइप में कुछ। नेक्स्ट जो हैंड बैग है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि एक तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी लगता है प्लस वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो फटाफट मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो कि है ये। और सॉरी मेरे मुँह पर लगता है वो डिज़ाइन वगैरह कुछ प्रिंट वगैरह नहीं मिलता, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसी चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसका मटेरियल भी कुछ मतलब लेदर टाइप में ही है। ऑल्सो इसमें आप इसको इजीली एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको कुछ ऐसे मैग्नेटिक बटन दे रखे हैं तो कुछ
इस टाइप में क्लोज हो जाते हैं। दो मिलते हैं वैसे आपको, ये एक वन और एक टू। वैसे इसमें मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, तो पेपर सॉप और ये सन ग्लासेस रख रखे हैं, और मैंने इसमें लिपस्टिक भी रख रखी है। मतलब देख सकते हो कि मैंने इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, आपकी नोटबुक, लैपटॉप, वाटर बॉटल, ईजिली इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं। सारे कलर्स मिल जाते हैं, फाइव या फिर एट तो इसमें कलर्स थे ही, एक इसमें ये ब्लैक था, ब्राउन था। तो आप वहाँ से कलर्स देख सकते हो, जो आपको पसंद हो आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ जब आप जाओ लेट जाओ, अभी देखने कैसे देखते हैं। ये पिलो पर ही सोता है। अरे मेरे ज़्यादातर वीडियो में सोता ही मिलता है। तो गाइस रहते मेरा मीशो बैग हॉल, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये भी जरूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको आप जाकर अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, और सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।